वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं फिर से तुम लोगों के लिए एक नया एंड ज़बरदस्त जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आ गई हूँ। बेसिकली जो जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के तरफ से बेसिकली जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, जैसा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जितने सारे वैकेंसीज निकल के आ रहे, सारे चीज़ के लिए यहाँ पे जैसा बोल रहा है, तुम्हारा बेसिकली वॉकिंग इंटरव्यू के मार्फत तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। पहला पॉइंट है। सेकेंड जो पॉइंट है, यहाँ पे जैसा बोल रहे हैं, यहाँ पे डिप्लोमा जिन लोग कंप्लीट किए उन लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है, और जिन लोग डिग्री होल्डर है उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, डिप्लोमा डिग्री होल्डर यहाँ पे एलिजिबल है। देन तुम्हारा बीई और बीटेक, एमई और एमटेक जिन लोग कंप्लीट किए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हारे फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज नहीं है, बट जिसके पास एक्सपीरियंस है उन लोग यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल है। ओके, बट यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। और एक चीज़ बात है, यहाँ पे आईटीआई भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके, और एक चीज़ बात है, यहाँ पे जितने सारे वैकेंसीज निकल के आ रहे, सारे चीज़ के तो सारे चीज़ के लिए तुम्हारा एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसीलिए मैं सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब फ्रेशर्स के लिए तो नहीं है, ओनली फॉर एक्सपीरियंस होल्डर के बेसिस से तुमको सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली रेंज एक बता देती हूँ, जैसा तुम्हारा यहाँ पे 5 LPA से लेके तुम्हारा 17 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज हो सकता है। बट डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बट अप्रोक्सीमेटली मैं बता दे रहा हूँ, मिनिमम तुम्हारा 5 LPA से लेके मैक्सिमम तुम्हारा 17 LPA तक तुम्हारा सैलरी मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे नो फीस, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, नो फीस करके मेंशन कर रही, डायरेक्ट तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू के मार्फत तुम्हारा सिलेक्शंस होगा। तो ऐसा क्राइटेरिया में फिट हो तो दिस वीडियो फॉर यू। तो थोड़ा सा डिटेल्स में इन दिस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली जो तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू होगा, यहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके दो कैटेगरी डिवाइड किए। पहला जो कैटेगरी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हारा पावर सेक्टर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड जो कैटेगरी है, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल एंड डिजिटल सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो पहला वाला जो पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस वाला, यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसा यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हारा बीई और बीटेक, एमई और एमटेक प्रोफेशनल यहाँ पे एलिजिबल है। मिनिमम 3, मैक्सिमम तुम्हारा 15 ईयर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे तुम्हारा 12 नवंबर 2022 10 AM से तुम्हारा 4 PM तक तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू चलेगा। पावर सेक्टर में तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे पोजीशंस के लिए है, जैसा थर्मल पावर के लिए देखेंगे तब तुम्हारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे एलिजिबल है। और नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूक्लियर पावर के लिए भी, यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल यहाँ पे एलिजिबल है। कॉमन करके मेंशन है, यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट में तुम्हारा होगा। प्लानिंग का जैसा तुम्हारा होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, देन तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग के बारे में तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। देन तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पावर सिस्टम स्टडी करके मेंशन है। रिन्यूएबल पावर के लिए भी जैसा यहाँ पे बोल रहा है, तुम्हारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल यहाँ पे एलिजिबल है। हाइड्रोकार्बन पावर के लिए भी है, जैसा तुम्हारा सिविल एलिजिबल है। जैसा तुम्हारा बोल रहे हैं जियो टेक्निकल, रॉक मैकेनिक्स, देन तुम्हारा स्ट्रक्चरल हाइड्रोलिक्स के बारे में तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू का डेट एंड टाइम तो बता दिया, बट तुम्हारा जो एड्रेस है यहाँ पे देख सकते हो, बेंगलोर में तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। बेंगलोर में टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का जो बेसिकली जो ऑफिस है, तो एड्रेस में तुम देख सकते हो। इंजीनियर लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है, यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल एंड डिजिटल सेक्टर में तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम डेट एंड टाइम जैसा बोल रहा है, 12 नवंबर 2022 10 AM से तुम्हारा 4 PM तक तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जैसा बोल रहा है, वहाँ पे तुम्हारा बेसिकली बीई, बीटेक, एमई और एमटेक एलिजिबल है, बट यहाँ पे तुम्हारा डिप्लोमा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, डिप्लोमा एंड डिग्री जिन लोग कंप्लीट किए उन लोग यहाँ पे एलिजिबल है। बट यहाँ पे मिनिमम 3 मैक्सिमम 8 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जैसा यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे तुम्हारा बीई और बीटेक, एमई और एमटेक प्रोफेशनल के लिए जैसा बोल रहा है, देख सकते हो 3 to 15 ईयर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस बोल रहा है।
सिविल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, पाइपिंग एंड स्ट्रेस एनालिसिस डिज़ाइन इंजीनियर, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशंस डिज़ाइन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, देन तुम्हारा प्रोसेस डिज़ाइन इंजीनियर, ओके ऐसा करके बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो। ओके यहाँ पे भी सेम प्रोसीड्योर है, सेम एड्रेस है, तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, बेंगलोर लोकेशन है। ओके तुमको बस कुछ नहीं है, बस इस एड्रेस में जाके तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके इंटरव्यू देने के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, जैसा तुम्हारा सारे चीज़ का, जैसा सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट एंड फोटोकॉपीज भी लेके जाओ, और उसके साथ तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना पड़ेगा, देन तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देन तुम्हारा 3 मंथ्स सैलरी स्लिप, ओके सारे डॉक्यूमेंट्स तुमको लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम में। ओके डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, दैट्स मीन तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल एंड डिजिटल सेक्टर में एक्सपीरियंस है एंड तुम्हारा पावर सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बेंगलोर लोकेशंस में जाके इंटरव्यू दे सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है इंटरव्यू मिस हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों का जो बेसिकली जो वेबसाइट है, दिस वेबसाइट में तुम्हारा करियर जो ऑप्शन है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये तुम्हारा बेसिकली इन लोगों का जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो इन लोगों का जो करियर ऑप्शन है, यहाँ पे जाके भी तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इफ़ तुम्हारा इंटरव्यू मिस हो जाएगा तो। ओके बट मैं हमेशा बोल रही हूँ तुम्हारे पास ऐसा एक्सपीरियंस है, पावर सेक्टर में एक्सपीरियंस है एंड तुम्हारा जैसा यहाँ पे बोल रहे दो, मतलब हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल एंड डिजिटल सेक्टर में एक्सपीरियंस है एंड तुम्हारा बेंगलोर लोकेशन में तुमको जाके इंटरव्यू देना कंफर्टेबल फील हो, तो तब डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, जाके इंटरव्यू दे दो। ओके सो वीडियो पसंद लगा है तो पहले से लाइक करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर से आएंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।